हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पराठा। तो देखते हैं आसानी से आलू पराठा किस तरह बनाते हैं। इसके लिए हमें लगेंगे आलू। यहाँ हमने आधा किलो आलू लिए हैं, इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक चम्मच हमने हल्दी लिए, 3 चम्मच हमने हरी मिर्च पेस्ट लिया है, हरी धनिया लिए और तेल लिया है 3 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ हमने 3 बड़े कप आटा लिया है गेहूँ का। चलिए देखते हैं आसानी से आलू पराठा किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, ज़्यादा मोटे मोटे ना हो। चलिए अब हम आलू पराठा का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें हरी मिर्च डाल देंगे। कच्ची हरी मिर्च का टेस्ट बदल जाता है, इसके लिए हम थोड़ा उसे तेल में थोड़ा तल लेंगे, ये देखिए, ताकि हरी मिर्च का कच्चापन मुँह में ना आए। ये देखिए इस तरह से हल्का सा तलने के बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये देखिए हल्दी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसमें नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च का कच्चा टेस्ट ना है, इसके लिए पहले हमने उसे गरम तेल में थोड़ा तल लिया था मिर्च को। ये देखिए हरी मिर्च का कच्चा पेस्ट डालने से उसका फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ा गरम तेल में उसे तल लिया था हमने मिर्च पेस्ट को। ये देखिए मसाला पकने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आलू पराठा का मसाला हमारा रेडी है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे ठंडा होने के लिए हमने निकाल लिया है। चलिए अब हम आटे का डो बना लेते हैं। ये देखिए हमने 3 बड़े कप आटा लिया था। ये देखिए उसका हम डो बना रहे हैं। तकरीबन 13 से 14 इससे पराठे बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब डो थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे नॉर्मल रोटी से। बस ये देखिए अब इसे सिंपली इस तरह से थोड़ा गोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारे डो रेडी हो रहे हैं। अभी हमारे मसाले का हम इस तरह से डो की साइज़ का एक बॉल तैयार करेंगे मसाले का। ये देखिए आटे के सारे डो रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे प्रिपरेशन करते हैं। सूखे आटे में हल्का सा लगा के इस तरह से हल्का हाथ से प्रेस करके इसे गोल करेंगे। ये देखिए बस हमें इसे ज़्यादा नहीं गोल करना है, हल्का हल्का सा इसमें बॉल आ जाए इस साइज़ का आपको बनाई। देखिए हमने इसमें बॉल अच्छे से रख दिया। अब इसे हल्के हाथ से प्रेस करके बंद कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इसे अच्छी तरह से पैक कर लेंगे ताकि ये बाहर ना जाए फूट के। ये देखिए ये हमारा डो रेडी हो गया। अब हम इसे बेलेंगे। इसी तरह इन सारे डो को कर लीजिए। ये देखिए चलिए अब हम तवा रख लेते हैं, हमारा पराठा इस पर सीखेगा। ये देखिए सारे डो हमने रेडी कर लिए।
अब हम इसे हल्के से आटे में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे से इसे रोटी की तरह आपको बनाना है। ये देखिए ये देखिए, इसे हम बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से बेल के एक थिकनेस हर जगह से हो, इस हिसाब से आपको बेलना है। चलिए तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसे सेकने के लिए देखिए इस तरह से हमारा पराठा भी सिकेगा। ये देखिए जब तक एक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सिक जाने के बाद हमने इसे पलट दिया है। अब हम इस पर ऑयल ऐड करेंगे। हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं तब जब हम इसको पलटेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये तब के लिए है और साइड के एजेस क्रंचेस होने के लिए हम साइड में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे होगा ये कि नीचे का पार्ट और साइड के एजेस ये दोनों थोड़ा क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको दोनों साइड से हमें पका लेना है। ये देखिए थोड़ा ऑयल हम और ऐड कर रहे हैं। आप लोग ऑयल की जगह बटर घी यूज़ कर सकते हैं, ना खाना चाहो तो बहुत थोड़ा सा भी ऑयल लगा सकते हैं। यूजुअली आलू पराठा थोड़ा ऑयली अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो, ना चाहते हो ज़्यादा ऑयल खाना, तो आप हल्का हल्का ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हल्का सा जो क्रंच जैसा लगेगा आउटसाइड से, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा वो अंदर से। ये देखिए बस इस तरह से उसे हमने सेंक लेना है अच्छे से। ये देखिए, चलिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए बाकी के पराठे भी हम सेम प्रोसीजर में बनाएंगे। चलिए अब हम इसे आपको तोड़कर बताते हैं अंदर से ये कितना जूसी है। देखिए कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए फर्स्ट क्लास पराठा हमारा बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।